In last lecture, we had seen about the polynomials, zero of the polynomial, value of the polynomial, and discriminant. And we had also seen that the zero of the polynomial alpha and beta, particularly quadratic equation की बात करें, तो उनके लिए हमारे पास एक श्रीधराचार्य फार्मूला या quadratic फार्मूला मिला था. पॉलीनोमियल के लास्ट पार्ट में हम लोगों को जो देखना है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल मीन्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलीनोमियल. इसमें हम लोग को ये देखना है कि अगर हम पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली एक्सप्रेस करें तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, या दूसरे तरीके से कह लीजिए कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मिले थे उनका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या था. जैसे मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लिख देता एज अ एग्जांपल, तो आपके पास पॉलिनोमियल में अगर मैं कहता कि देयर इज अ पॉलिनोमियल लाइक px, polynomial in x is the 2x plus 3. मैं कहता there is an another polynomial that is कोई भी आप example ले सकते हैं x square minus 3x minus 4 and say we have an another polynomial p of x is equal to x cube माइनस 4x. ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे. अभी इसमें आप दो चीज देखते थे, हाउ मेनी टर्म्स, तो यहाँ दो टर्म है तो बाइनोमियल, एक दो तीन, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, एक दो, दो टर्म है तो बाइनोमियल. जो वेरिएबल है दैट इज x, उसकी जो हाईएस्ट पावर थी उसको आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से जानते थे. यहाँ 1 है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3 है. मीन्स दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये तो हम लोगों ने पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 में अच्छे से देखा था. अभी अगर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हमें इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए तो फॉर वन वैल्यू ऑफ x ये पूरा का पूरा इक्वेशन सीज होने वाला है, क्योंकि ये भी तो आपको बताया गया था कि अगर ऑर्डर आपको पता है तो आप नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इजिली बता सकते हैं. जैसे यहाँ x की पावर 1 है मीन्स ऑर्डर इज 1, तो यहाँ इसमें x की एक वैल्यू तो ऐसी मिलेगी जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड देयर इज वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन केस ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ क्वाड्रेटिक है तो यहाँ आपको दो जीरो मिलने वाले हैं जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल चीज होगा, और यहाँ इसका ऑर्डर 3 है तो आपको x की 3 वैल्यूज मिलनी है जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल चीज होगा. अब हम ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या शो कर रहा है. ठीक है, अच्छा ये नाइन्थ में नहीं है, देख तो सकते हैं आईआईटी एंड पीएमटी के लिए, लेकिन ये मोस्टली अब टेंथ का पार्ट है. तो यहाँ अगर मैं कहता कि दिस इज अ पॉलिनोमियल और जानना चाहता कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें पॉलिनोमियल इन एक्स को वाई एक्सिस पर एंड दिस फंक्शन 2x प्लस 3 को में x की वैल्यू जो भी हम चूज करने वाले हैं उसको x एक्सिस पर ट्रेस करना होगा. यानी कि हम पॉलिनोमियल इन x को y एक्सिस पर एंड वैल्यू ऑफ जो x है, वेरिएबल x जो है, वैल्यू ऑफ x, इसको x एक्सिस पे ट्रेस करने वाले हैं. ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है. मीन्स हमारे पास है x की वैल्यू और अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल इन x की वैल्यू. कुछ भी सोच सकते हैं, आसान है, हम सोच ले रहे हैं माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, हमने ये सोचा इन वैल्यूज के लिए. ग्राफ तो मिल ही जाएगा हमको,
नाउ देखते हैं कि x की वैल्यू माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू के लिए पॉलिनोमियल इन x की क्या वैल्यूज होंगी। अब माइनस टू अगर यहाँ रखोगे, हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर हम यहाँ x की वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो दिस बिकम्स माइनस फोर और प्लस थ्री दिस इज माइनस वन। अगर माइनस वन रखेंगे तो जाएगा माइनस टू यानी थ्री माइनस टू दैट इज प्लस वन। x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो दिस इज प्लस थ्री। अगर हम x की वैल्यू वन रखेंगे तो टू एंड थ्री दिस बिकम्स फाइव। और अगर हम x की वैल्यू प्लस टू रखने वाले हैं तो टू टू जा फोर और प्लस थ्री सेवन। मीन्स ये हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं। फॉर वैल्यू ऑफ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हमने कहा इसको y एक्सिस पर और इसको x एक्सिस पर ट्रेस करना चाहिए। तो अगर ट्रेस करें तो जनरली हम x पर वैल्यू देख रहे हैं आप, ये x एक्सिस है, x एक्सिस एंड पॉलिनोमियल इन x इस पर आने वाला है अलोंग y एक्सिस। माइनस टू से प्लस टू है तो ठीक है, माइनस वन प्लस वन माइनस टू प्लस टू मीन्स जीरो प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू। एंड y एक्सिस पर आपको कहाँ जाना है, माइनस वन से सेवन तक जाना है, ठीक है। ले लीजिए दिस इज माइनस वन, स्केलिंग x एक्सिस और y एक्सिस की स्केलिंग सेम होगी, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। दिस इज जीरो, दिस इज प्लस वन, दिस इज प्लस टू, दिस इज प्लस थ्री, दिस इज प्लस फोर, दिस इज प्लस फाइव, दिस इज प्लस सिक्स, दिस इज प्लस सेवन, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। नाउ x की वैल्यू जब माइनस टू है तो पॉलिनोमियल इन x की वैल्यू है माइनस वन, इसको आपने y एक्सिस पर एक्सप्रेस किया है, यानी x की वैल्यू माइनस टू में पॉलिनोमियल की वैल्यू है माइनस वन दिस पॉइंट, ठीक है। एंड माइनस वन अगर आप चेक करेंगे, x की वैल्यू माइनस वन है तो प्लस वन है, माइनस वन पे आपको पॉलिनोमियल x की वैल्यू मिल रही है प्लस वन, यानी आप यहाँ हैं, ठीक है। नाउ यहाँ अगर आप x की वैल्यू देखें जीरो, तो जीरो पे प्लस थ्री है, जीरो पे दिस इज प्लस थ्री एंड प्लस वन पे फाइव है, प्लस वन पे फाइव है, आप यहाँ मिल गए, प्लस टू पे आपको मिला हुआ है सेवन, प्लस टू पे मिला हुआ है सेवन, आप यहाँ हैं, दिख रहा है आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है लाइक दिस। ये इसका मतलब है जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन देते हैं अलॉन्ग दी एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, इधर उधर आएंगे क्वाड्रेंट में, ऐसे भी आ सकता था, ठीक है, ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, लेकिन ये गारंटी है कि अगर पावर x की पावर 1 है तो हर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अभी इस स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन है दिस, ये इंटरसेक्शन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपने जब पॉलिनोमियल डिस्कस किया था और हमने कहा था कि x की पावर 1 है तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, तो उतने ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलते हैं जितनी डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री 1 है और इसका आपको x की एक वैल्यू ऐसी मिलने वाली थी जो जीरो होगी, जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो देखिए ये x एक्सिस पर एक जगह इंटरसेक्शन है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ये शो कर रहा है। फिलहाल हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन का ट्रेस किया कि जो फंक्शन है
उसका जब आप ग्राफ खींचेंगे इन बिटवीन द वाई एंड एक्स एक्सिस, तो अगर पॉलिनोमियल इन एक्स है तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है काउंट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये वैल्यू ढूंढ पाते तो हमने स्केलिंग तो रफली कर रखी है, तो रफली वैल्यू ले ले रहे हैं। दिस रफली वैल्यू इज माइनस वन और माइनस टू के बीच में ये मिलेगा आपको माइनस 1.5 से, मीन्स एक्स इज द माइनस 1.5 फॉर विच द होल फंक्शन सीरीज, मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.5 इज द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल फॉर विच द होल पॉलिनोमियल इज सीजिंग, मीन्स दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। रख के देख लीजिए, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 एंड दिस इज प्लस 3, माइनस 1.5 आप यहाँ रखोगे तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 गैप हो जाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि अगर आप पॉलिनोमियल इन x 2x प्लस 3 को ग्राफिकली ट्रेस करें, जिसमें वेरिएबल x को x एक्सिस पर रखें एंड करस्पॉन्डिंगली जो पॉलिनोमियल है दैट इज फंक्शन को y एक्सिस पर रखें, तो आप ऑर्डर 1 के इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के टर्म में पाते हैं और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को x एक्सिस पर एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। चलिए हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि दूसरे इक्वेशन में हमें क्या मिलने वाला है। अगेन कोई भी रैंडम वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ जो x की वैल्यू आप चूज करेंगे वो x एक्सिस पर और करस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा उसको y एक्सिस पर ट्रेस कीजिएगा, मीन्स x एंड पॉलिनोमियल इन x। नाउ रफली कोई भी 4-5 रीडिंग जनरेट कर लीजिए, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। हम यहाँ वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है, कम भी ले सकते थे। नाउ अगर आप माइनस 5 यहाँ रखेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, माइनस माइनस प्लस प्लस 15, ये हो जाएगा 40 माइनस 4, 40 माइनस 4 दैट इज 36। माइनस 4 रख के देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा प्लस 12, ये हो जाएगा 28, 4 जाएगा 24। नाउ माइनस 3 रख के देख लीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 9, 18 माइनस 4 दैट इज 14। माइनस 2 दिस इज 4, दिस इज 3 टू द 6 प्लस 6 10 और माइनस 4 दिस इज 6। माइनस 1 रख के देख लीजिए, नाउ दिस इज 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 4 और माइनस 4 जीरो हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो रखेंगे तो आप देख रहे हैं माइनस 4 हो जाएगा इज दिस, 1 रख के देख लीजिए, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 7, 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6। 2 रख लीजिए, 2 टू द 4 माइनस 2 3 द 6 माइनस 4, 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया माइनस 6, चेक कर लीजिए कहीं एरर कर रहे हैं। 1 पे, 1 पे क्या आया था, 1 माइनस 3 और माइनस 4, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और प्लस 1 ऐड होगा तो माइनस 6, सही था। 2 रखना था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस
4 ये और ये कैंसिल हुआ, ये भी माइनस 6 आ रहा है। एक बार और चेक कर लीजिए, वैल्यू रिपीट हो रही है। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 एंड माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 3 का 6 माइनस 4 कैंसिल हुआ, माइनस 6 आएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 माइनस 3 3 3 का 9 एंड दिस इज माइनस 4 ये मिल रहा है। इस तरीके से आपको ये मिलता चला जा रहा है। अभी अगर हम इसको ग्राफिकली ट्रेस कराएं तो x एक्सिस और y एक्सिस के लिए आपको ट्रेस करना है, ये x एक्सिस हो गया एंड दिस इज y एक्सिस। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल इज x माइनस 5, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 और अगर वैल्यू पाते तो देख लीजिए x की वैल्यू ये पॉजिटिव में 36 तक है, 5 का स्लॉट ले लीजिए दैट इज माइनस 5 0 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 25 30 35, क्लियर है। नाउ x इक्वल टू माइनस 5 वैल्यू इज द 36 वैल्यू इज द 36 35 मिला था 36 ये वैल्यू आपको मिल रही है। नाउ माइनस 4 पे 24 है, माइनस 4 24 20 है 25 है थोड़ा पहले दिस वैल्यू एंड माइनस 3 पर आपको मिल रहा है 14 माइनस 3 पर मिल रहा है 14 दिस ये वैल्यू मिल रही है एंड माइनस 2 पे 6 है माइनस 2 पे 6 है दिस माइनस 1 पे 0 है माइनस 1 पे दिस 0 है यहाँ हो गया आप एंड 0 पे माइनस 4 है 0 पे माइनस 4 है यहाँ आ गया आप 1 पे माइनस 6 है 1 पे माइनस 6 यहाँ आ गए आप एंड 2 पे भी माइनस 6 है यहाँ आ गए आप एंड 3 पे माइनस 4 है 3 पे माइनस 4 यानी यहाँ आ गया आपको जो ग्राफ मिल रहा है इस दिस ये मिल रहा है दिस एक्चुअली में ठीक से खींचते ये ग्राफ विद द स्केल प्रॉपर स्केल तो ये ग्राफ हमें मिलता लाइक दिस ऐसे मिलता, ठीक है। ऐसे मिलने का मतलब दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक इन से पैराबोला, इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू है, यहाँ पॉलिनोमियल इन x है। अगर हमने वैल्यू ली होती है देखिए डैश डैश करके ये इस तरीके से जाएगी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्या मिलता 2 मिलता। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है मींस फिजिकल सिग्निफिकेंस या कह लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो ये कि अगर लीनियर है दैट इज x पर पावर 1 है तो ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर क्वाड्रेटिक है दैट इज ऑर्डर इज 2 तो ये ग्राफ x एक्सिस पर इसका ग्राफ x एक्सिस पर दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह अगर ये x क्यूब है दैट इज पावर 3 तो ये ग्राफ को 3
पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होता दैट इज पावर 4 होता तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एट अ 4 पॉइंट इंटरसेक्ट करता। तो ये बात क्लियर हो रही है कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है वो पॉलिनॉमियल को एक्स और वाई एक्सिस पर अगर ट्रेस किया जाए तो एक्स की जितनी भी जीरो वैल्यूज आनी है मतलब वो उतनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए एक लास्ट इसको देख लेते हैं। मीन्स ठीक है यहाँ वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल ठीक है, कोई भी आप आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज कर लीजिए। ठीक है हम चूज कर रहे हैं -2 -1 0 +1 +2। ठीक है नाउ यहाँ x इक्वल टू -2 रखेंगे तो 2 2 4 2 8 -8 देख लीजिए, -2 यहाँ रखेंगे तो -2 क्यूब -8 माइनस ये 4 इंटू -2 -2 प्लस हो जाएगा 4 2 8 दैट इज 0। मीन्स एक्स इज इक्वल टू -2 इज द फर्स्ट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स इक्वल टू -2 पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही फीस कर गया, यानी आपको 0 का पॉलिनोमियल मिल गया है यहाँ पे। ठीक है -1 रखिए, -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1, और माइनस रखेंगे तो -- +4 4 -1 दैट इज 3। 0 रखिए x0 ये 0 हो जाएगा, आपको दूसरा वैल्यू मिल गया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का। अगर x इक्वल टू 0 पुट करें तो पॉलिनोमियल x में 0 हो जा रहा है, इसका मतलब आपको सेकेंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया। +1 रखेंगे तो दिस इज 1 एंड दिस इज -4 आपको मिलेगा, 1 -4 दैट इज -3। आप 2 रख लीजिए, 2 रखेंगे तो 2 2 4 2 8 एंड 2 रखेंगे तो -8 आपको तीसरा 0 भी मिल गया। मीन्स यहाँ अब आप वैल्यू रख के देखते चले जाइए और आपको क्योंकि ऑर्डर 3 है तो ऑब्वियसली 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सर्वाइव करते और आपको वो तीनों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गए हैं। -2 0 and +2 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x। इनका ग्राफ पूछेंगे तो ग्राफ कैसा है, ये आप ले लीजिए एक्स एक्सिस ले लीजिए, आप यहाँ ले लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड सॉरी दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। पॉलिनोमियल इन एक्स को आप ले लीजिए वाई एक्सिस पर एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स को आप एज अ एक्स एक्सिस से ले लीजिए, दिस 0 -1 -2 +1 +2 एंड ये कहाँ तक जाना है -3 to +3 तक है। ठीक है -1 -2 -3 +1 +2 +3 1 2 3 -1 -2 -3 ठीक है x इज इक्वल टू -2 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 -1 3 -1 पे 3 दिस एंड 0 पे 0 है दिस एंड +1 पे है -3 इज दिस एंड +2 पे है 0 दिस। तो अब देखिए अगर ज्वाइन करें तो दिस इस तरीके से सारा और रीडिंग की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम ग्राफ आपको फुल प्लेस और रीडिंग एज्यूम करते और फाइन ग्राफ खींचने की कोशिश करते तो उस केस में जो ग्राफ मिलता हमें वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ग्राफ है
हमने और पॉइंट्स नहीं निकाले, ठीक है। अगर और पॉइंट्स निकालते रहते, ये सारे पॉइंट्स अगर पता होते तो आपको करेस्पॉन्डिंगली वैल्यू मिलती, ठीक है। हम सिर्फ जीव ऑफ द पॉलिनॉमियल को ग्राफ पे देखना चाहते थे, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि अगर हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को थ्री पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट इज टेलिंग दैट कि देयर आर थ्री जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसी तरीके से बहुत सारे ग्राफ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे खींच देता लाइक दिस, और मैं कहता कि ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन बताइए, हियर दिस इज पॉलिनॉमियल इन एक्स एंड हियर इट इज द वेरिएबल एक्स। देख लीजिए, वन इंटरसेक्शन, टू इंटरसेक्शन, थ्री इंटरसेक्शन, फोर इंटरसेक्शन, फाइव इंटरसेक्शन। ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन है उसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने पर आपको मिल रहा है फाइव। इसका मतलब है ये जिस इक्वेशन का ग्राफ होगा दैट विल बी आप ऑर्डर फाइव, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन विल बी फाइव। आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख पाएंगे, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज फाइव। अगर आपको कोई ग्राफ ऐसे दे देता लाइक दिस, और आपसे कहता कि दिस इज पॉलिनॉमियल इन एक्स एंड हियर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, आप देख रहे हैं ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। सो अगर ग्राफ इंटरसेक्शन कर रहा है विद एक्स एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट, इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है, ऑर्डर वन हो गया। लीनियर इक्वेशन ऑर्डर हो गया वन, ऑर्डर वन। तो यहाँ आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल देखा, जिसका बड़ा सिंपल सा मतलब है। इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है, देख लीजिए, फॉर अ गिवन पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री एन द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एटमोस्ट एन पॉइंट। देयरफॉर अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री एन एज एटमोस्ट एन जीरोस, मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो आप देख सकेंगे ग्राफ का एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन से मैच होगा। इस तरह से क्लास टेंथ में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल को कवर किया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट।